भाइयों एवं बहनों, देवियों और सज्जनों, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं। आइए मैं बताता हूँ, छतों को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा उन्हें सुधार दो तो ये नज़ारे बदल जाते हैं। आइए मैं आपको इस छत का नज़ारा दिखाता हूँ। खींच रहा, वीडियो बना रहा है। कोरोना वायरस, सानु लोग नीचे हैं। ए इसमें कूद के दिखा दो बाबूजी को, आओ ये वाले में, हाथ वाले में कूद के दिखा दो। इसमें कूद दो, एक थोड़ी सी कूद लो, पूरी फोटो खींच दे तुम्हारी, कूद जल्दी कूद लो। ए गिरी, ऐसे पकड़, मैं इसको झुलाती हूँ, ऐसे पकड़, आ इधर मैं झुलाऊंगी। मजा आई ना? अब गद्दे में कूदो। हाँ जा कूद लो। इसको लेके बैठ ऊपर, इसको लेके बैठ ऊपर। हाँ देख रहे हो, किधर आना, उधर हाँ ससरे। अरे पागल है, अरे वीडियो बन रही है, चला जा जा पहले। अब तो यहीं से चढ़ जाऊंगा मेरे, अब देखो ऊपर कैसे लगता है।
रेडी ऑड इवन भी है। चलो विनर ऐसे बनाओ विनिंग विनर चलो हो कुछ भी करो अरबर ऐसे कूदें देखो हमारे से कूदने का हटाओ ऐसे कूदता हूँ ठीक है ये भी चलेगा ये नेक्स्ट चप्पल उतार ले बद्ध बद्ध हो रहा है कहाँ बन रही है ये देखिए अरे तो फिर अभी तक तो फ्री में चल गई हाँ फ्री में चल गई मानना पड़ेगा आपको ये सूर्य की स्थिति को दर्शा रहा है कि कब उत्तरायण और कब दक्षिणायन होता है और ये छत की वो स्थिति जो भौगोलिक स्थिति होती है जिसमें आपको विषुवत रेखा कर्क रेखा मकर रेखा ध्रुवीय क्षेत्र आर्कटिक और ध्रुवीय क्षेत्र अंटार्कटिक दिखाया गया है। ये वो गेम है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं और ये गेम यहाँ से यहाँ तक जाता है और ये वो गेम है जिसमें आपको लेफ्ट और राइट की पहचान होती है। लेफ्ट पैर राइट पैर लेफ्ट हाथ और राइट हाथ इनको देखकर बताना है। ये वो जगह है जहाँ पे आप डांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर बोरियत महसूस हो तो इस सीढ़ी से चढ़ते हुए आप इस साइड स्लिंग में जा सकते हैं साइड स्लिंग और ये वो गेम है जिससे आप अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं और अगर बचपन की कुछ भूल हो गई हो कुछ सीखने में चूक रह गई हो तो आप से शुरुआत करते हुए और ज्ञानी भी बन सकते हैं। दिशाओं का ज्ञान ना हो तो जरा इधर पर नज़र मारकर निगाह लेकर दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। रोमन लेटर्स भूल गए हों तो ये रोमन गेम खेलकर आप अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं। ऑड इवन भूल गया हो सम विषम तो ये सम विषम के गेम खेलकर आप अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं और अगर छत पर कहीं क्लाइंबिंग की आदत हो तो इस सीढ़ी से आप हाई क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं
और ये सीढ़ी हाई क्लाइंबिंग आपको दिखाएगी। यहीं पर रोपवे लगा था, अभी रोपवे यहाँ से हटा दिया गया है रोप। और अगर अगर कुछ घूमने या बॉक्सिंग करने की इच्छा हो तो इस जाली के अंदर वो बॉक्सिंग पैड लगा हुआ है, बॉक्सिंग का, आप इससे बॉक्सिंग भी सीख सकते हैं। और खेलते खेलते थक जाएं तो इस झूले पर आप आराम भी फरमा सकते हैं। और ये आसपास का विहंगम दृश्य। थैंक यू।